फ्रेंड आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे जनरेटर है या कहीं से भी कोई भी इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है उसमें जो है लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होता है, तो आज हम आपको इसी के बारे में जो है पूरा डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये हम आपको पहला फिगर दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये ट्रायंगुलर टाइप का हमने बनाया है, इससे इसको देखने पर जो है आपको हर चीज़ जो है क्लियर हो जाएगा। तो इसको जो है हमने उस हिसाब से बनाया है। देखिए इसमें जो बीच में है ये तो हमारा न्यूट्रल है और ये अधिकतर जो है स्टार टाइप का है, क्योंकि जैसे जहाँ से पावर हाउस से जब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी चलती है तो वो डेल्टा के हिसाब से चलता है, डेल्टा कनेक्शन होता है, और जब वो सब स्टेशन पे आता है तो फिर वहाँ से जो है स्टार कनेक्शन करके जो है वो जो है घरों के लिए जो है सप्लाई होता है। अब जैसे घर के पास जो भी छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो स्टार टाइप का होता है, तो ये हम आपको स्टार टाइप का ट्रांसफार्मर में ही टोटल हम फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज दोनों हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ट्रायंगुलर टाइप से हमने बनाया है। बीच में होता क्या है कि जो स्टार टाइप होता है उसका एक पॉइंट कॉइल का जो है तीनों एक साथ शॉर्ट होता है और वहीं से जो है न्यूट्रल निकाला जाता है, और ये न्यूट्रल को जो है हम लोग कभी कभी उसको ग्राउंड भी कर देते हैं ताकि किसी को कोई भी नुकसान न हो। और ये देखिए तीन ये पॉइंट है, तीनों साइड में आर वाई बी ये तीनों होते हैं, और जब हम न्यूट्रल से जो है कोई भी एक फेज को लेते हैं, आर को लें या वाई को लें या बी को लें, तो उस पर जो भी हमको वोल्टेज मिलता है उसको हम फेज वोल्टेज बोलते हैं। और जैसे जब दो फेज के का साथ में अगर हमने वोल्टेज लेते हैं तो उसको हम लोग जो है नाइलाइन वोल्टेज बोलते हैं। ये तो हमारा एक हो गया। अब ये देखिए, ये हम आपको दूसरा फिगर दिखा रहे हैं, इसमें भी वही सेम चीज़ है लेकिन ये थोड़ा दूसरे हिसाब से ये फिगर बनाया गया। तो इसमें देखिए हर चीज़ें जो है कलर के हिसाब से भी हमने रखा है। जैसे तीन फेज होते हैं, आर वाई बी होता है, मतलब रेड येलो और ब्लू, और बीच में देखिए ये शॉर्ट जहाँ पर है वहाँ से जो है न्यूट्रल निकाला गया है। तो इसमें क्या होता है कि ये इसमें भी देखिए न्यूट्रल से जैसे अगर आर पे हमने जो वोल्टेज लिया हो तो उसको जो है फेज वोल्टेज बोलते हैं, तो उस हिसाब से जो है वो होता है। उसी तरह वाई का भी होता है, येलो का, उसका भी न्यूट्रल से जब हम फेज पे ले जाते हैं वाई फेज पे, तो वो भी जो है हमारा जो है फेज वोल्टेज होता है। और इसी तरह ब्लू का भी होता है, जब न्यूट्रल और ब्लू का जब हम वोल्टेज चेक करते हैं तो वो भी जो है हमारा सेम चीज़ ही होता है। अब आइए आगे हम आपको ये देखिए, ये दूसरा तीसरा फिगर हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें कैसे हमारा वोल्टेज जो है चेक होता है। देखिए जब हम न्यूट्रल से फेज पे जब चेक करते हैं, चाहे वो आर हो वाई हो बी हो, ये तीनों पे करते हैं, तो उसमें जो है वोल्टेज जो है अलग अलग आता है। कि जैसे किसी पे अगर हमारा 220 अगर आता है तो वो तीनों पे 220 आएगा। और होता क्या है कि जैसे जब भी जहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा होता है वहाँ से जैसे जब घरों में डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें जैसे एक साइड में हमने जो है न्यूट्रल सप्लाई किया एक घर में, और उसमें जो है एक हमने आर ओ फेज दे दिया, दूसरे घर में जो है हमने वाई फेज देते हैं और एक न्यूट्रल दे देते हैं, और तीसरे में जैसे बी फेज का हम जो है सप्लाई और न्यूट्रल देते हैं। इस तरह जो है ताकि इससे क्या होता है कि हमारा लोड जो है बैलेंस रहता है। अब उसमें क्या होता है, जैसे अगर हम फेज टू न्यूट्रल अगर हम चेक करते हैं तो अगर हमारा वोल्टेज 220 है तो अगर तो तीनों पे जो है हमारा 220 ही वोल्ट रहेगा। लेकिन अगर जैसे कभी होता है कि एक फेज पे अगर हमारा जैसे लोड बढ़ गया या करंट हमारा बढ़ जाता है तो उस केस में क्या होता है, बाकी जैसे वोल्टेज जो है थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है। अगर लोड कम होता है तो किसी पे जो है वोल्टेज हमारा अधिक हो जाता है। तो जैसे गाँव में होता है कि लोग ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ वोल्टेज कम आ रहा है या अधिक आ रहा है, तो उस हिसाब से जो है इसका होता है। और इसका जैसे फेज टू फेज जब हम चेक करते हैं, जैसे आर और वाई को हम चेक करेंगे, तो इसमें जैसे लाइन वोल्टेज होता है तो ये जैसे किसी जगह जो है 400 वोल्ट होता है, किसी 415 होता है, और किसी जगह जो है 440 होता है। जैसे फेज टू फेज जब हम लाइन वोल्टेज चेक करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे लोड के हिसाब से जैसे जब हमारा कुछ कम अधिक होता है तो उस हिसाब से हमारा जैसे लाइन ये फेज वोल्टेज जैसे अगर हमारा वेरी करता है तो उसी हिसाब से जो है हमारा लाइन वोल्टेज भी जो है चेंज होने लगता है। जैसे अगर हमारा 220 वोल्ट आ रहा है तो उसमें क्या होता है कि अगर हमको कंफर्म करना है तो जो भी हमारा फेज वोल्टेज होता है उसको हम √3 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हमारा वो जो है लाइन वोल्टेज हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये हमने आपको पूरा कंप्लीट डिटेल में बता दिया कि मतलब फेज वोल्टेज क्या होता है और लाइन वोल्टेज क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक सब्सक्राइब, हो सके तो अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। थैंक यू।